आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के रीवा में आज खाद नियंत्रण राजेंद्र सिंह ठाकुर की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में राजेंद्र सिंह ठाकुर को भर्ती कराया गया था, जिनकी बीती रात 3 बजे मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि खाद अधिकारी राजेंद्र सिंह ठाकुर को कोरोना भी था। बताया जा रहा है कि विगत 23 अगस्त से उनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा था। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोग सभी अधिकारी उनके दुख में शामिल हैं और उनके परिवार को जो भी मदद चाहिए होगी वह हम करेंगे। अधिकारी फूड कंट्रोल ऑफिसर है, ठाकुर साहब का जिन्हें निधन हुआ है वो 20 डेज बिफोर है ना उनकी COVID-19 है ना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद संजय गांधी में लगातार उनका इलाज चल रही थी, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है ना देने के लिए कोशिश किया गया है, प्लाज्मा थेरेपी भी है ना उनको ना दिया गया है, उसके बाद भी आज है ना निधन हुआ है। वो हमारे लिए जिला प्रशासन के लिए एक इवन मेरे लिए भी ना व्यक्तिगत इतना क्षति है। उनकी जिला प्रशासन उनकी परिवार के साथ है, कितने भी सपोर्ट है वो पूरा उनको करेंगे।